गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टुडेज लेक्चर टॉपिक इज क्लोथिंग सिंथेटिक फैब्रिक, जैसे आपका टेरिलीन है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मेडिसिन एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल, एंड लास्ट टॉपिक है आपका क्लीनिंग एजेंट सोप्स एंड डिटर्जेंट। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, क्लोथिंग मटेरियल में ये हमारे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, जिसमें आप क्लोथिंग में अभी आप पढ़ेंगे सिंथेटिक फैब्रिक के बारे में, जो आपके मोस्ट इफेक्टिव टेरिलीन है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म है आपकी क्लोथिंग। क्लोथिंग क्या है जरा उसके बारे में देखते हैं। इट इज फॉर कवरिंग द बॉडी बाई अ फैब्रिक। हमारी जो बॉडी होती है वो फैब्रिक मटेरियल से कवर रहती है। सर्टेन फैब्रिक्स आर मेड बाई कन्वर्जन ऑफ फाइबर सच एज कॉटन। फाइबर्स हमारे कन्वर्जन करके फैब्रिक बनाते हैं सच एज कॉटन, जिसमें आपके कॉटन लाइक फाइबर पाए जाते हैं, टू सिंथेटिक फैब्रिक्स, जो हमारे नेक्स्ट हमारे सिंथेटिक फैब्रिक और भी पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है ज़रा उसके बारे में देखते हैं। सच एज कॉटन एंड वूल, जो हमारे कॉटन एंड वूल कहे जाते हैं, वर डायरेक्टली कन्वर्टेड इंटू क्लोथिंग मटीरियल। कॉटन एंड वूल हमारे ऐसे नेचुरल फाइबर पाए जाते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिए जाते हैं क्लोथिंग मटीरियल में। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका, या सेकेंड टाइप है आपका सिंथेटिक फाइबर, जिसमें आपकी सच एज टेरिलीन आती है, नायलॉन और रेयन आते हैं, आर यूज टू एक्सपेंसिव क्लोथिंग, जो हमारे महंगे से महंगे आपके क्लोथिंग मटेरियल में यूज़ किए जाते हैं, लाइक आपके कारपेट्स हुए, ड्रेसेस मटेरियल हुए, और आपके शिप्स नेट हुए और फिशेस नेट हुए, इन सभी में आपका यूज होता है सिंथेटिक फाइबर का। नेक्स्ट है आपके टेरिलीन। टेरिलीन क्या है उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर। ये हमारा सिंथेटिक पॉलिएस्टर फाइबर कहा जाता है। फॉर फैब्रिक फॉर्म जनरली, जो हमारे फैब्रिक से मिलकर बनता है जनरली, बाय एडिशन ऑफ पॉलिएस्टर टू नेचुरल फाइबर, जिसमें हमारा कॉटन आता है। पॉलिएस्टर और कॉटन मिलकर, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये फैब्रिक तैयार होता है, जो हमारा इजीली क्लीन हो जाता है एंड क्रीज रेजिस्टेंस होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज, टेरिलीन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, ये हमारा स्ट्रॉन्ग फैब्रिक कहा जाता है। इलास्टिक इन नेचर, इसकी नेचर में ही आपकी खिंचावपन होता है। रेजिडेंस टू फ्रिक्शन, और इसमें मतलब ज़्यादा जब इसका हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा यूज़ करने पर इतनी जल्दी ये फटता नहीं है। शफर लिटिल लूज एन स्ट्रेंथ, इसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसी कारण ये ज़्यादा दिनों तक आसानी से चल जाता है। ग्रेज रेजिस्टेंस, इसको जब हम प्रेस कर जब हम करते हैं इस पर, तो ये कड़क टाइप का नहीं होता, इसीलिए नेक्स्ट इसका पॉइंट है आपका इजीली वॉशेबल, आसानी से वॉश हो जाता है एंड ड्राई क्विकली, और बहुत जल्दी ये सूख जाता है। नेक्स्ट टेरिलीन के यूजेस क्या हैं। इट फाइंड यूज, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका इन फैशन गारमेंट फैब्रिक, इसको फैशन गारमेंट फैब्रिक के रूप में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इन नॉन वुमेन कारपेट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, रेनकोट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, एंड सेल्स बनाने में यूज किया जाता है। सेल्स मीन्स होता है जो बोट्स के ऊपर जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट मेकिंग टू नेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, रोप्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और हॉसेस बनाने में यूज़ किया जाता है, मीन्स पाइप्स जो होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसी में आपका अदर सिंथेटिक फैब्रिक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रेयन और नायलॉन, जिसमें रेयन जो है वो आपका रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर, ये हमारा रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर है। मतलब ये जो है फाइबर वो हमारा वुड से और प्लांट से लीव से मिलकर बनता है। यूज इन कारपेट, ये हमारा कारपेट बनाने में यूज़ किया जाता है। वैन ब्लेंडेड विद वूल, जो हमारे वूल के मिक्सअप से बनता है। बेडशीट्स, नेक्स्ट यूज इसका बेडशीट्स। वैन ब्लेंडेड विद कॉटन, ये हमारा कॉटन से मिलकर बनता है, मतलब बेडशीट जो होती है वो हमारी कॉटन से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट
इसका अदर सिंथेटिक यूज है आपका नायलॉन, नायलॉन आपका एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर, ये हमारा आर्टिफिशियली सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है जो हमारा यूज किया जाता है फैब्रिक्स के रूप में, रोप्स के रूप में, ब्रशेस बनाने में एंड हुक्स बनाने में इसका नायलॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन, मेडिसिन एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल के बारे में। अब मेडिसिन क्या होती है, जैसे कि सभी जानते हैं दवाइयाँ, दवाइयाँ क्या होती हैं, अब इसके बारे में इसका किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। आर नेचुरल एंड सिंथेटिक सब्सटेंस, इसमें प्राकृतिक एंड केमिकल से बने हुए सिंथेटिक सब्सटेंस भी यूज किए जाते हैं। वैन विच वैन टेक इन इन आर लिविंग बॉडी, जो हमारी लिविंग बॉडीज इनका यूज करती हैं, जिसमें फर्स्ट अफेक्ट्स इट्स फंक्शनिंग, जो अफेक्ट करती हैं हमारे ऑल ओवर द बॉडी फंक्शंस को, एंड ट्रीट और प्रिवेंट अ डिसीज, और डिसीज से जितनी बीमारियां होती हैं उनसे बचाने में इसका यूज किया जाता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका केमिस्ट्री अलाउ रिसर्च टू क्रिएट ड्रग्स, केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री ने रिसर्च करके हमारे ड्रग्स को इन्वेंट किया है विच कॉम्बैट इलनेस, जो हमारे इलनेस बीमारियों से या बुखार से हमें बचाने में मदद करती है, बाई ट्रीटिंग इफेक्टली बाई इंट्रैक्टिंग इफेक्टिवली विद द डिसीज बॉडी, और जितनी भी हमारी डिसीज बॉडीज होती हैं उसमें आसानी से इंट्रैक्ट कर उन डिसीज से बचाने में हमको मदद करती है। सेकेंड पॉइंट है इसका, वंस द प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या दवाइयाँ होती हैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करती हैं उसके बारे में, केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू नोन, ये हमको बताती है या जानकारी देती है विच मॉलिक्यूल इज प्रिफर्ड फॉर विच डिसीज, किस मॉलिक्यूल्स के द्वारा या किन दवाइयों के द्वारा हमारी बॉडीज प्रिफर्ड करेंगी या किस उस बीमारी से बचाने में मदद करेंगी, जिसमें फर्स्ट है आपकी एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ मेडिसिन, ये एक ऐसी मेडिसिन है टू ट्रीट पेन, जो पेन में, फीवर में एंड इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में मतलब इन्फ्लामेशन जिसमें पेन दर्द के रूप में, फीवर बुखार के रूप में और जलन के रूप में इसका यूज किया जाता है। जिसका फर्स्ट पॉइंट है आपका एस्प्रिन गिव शॉर्टली आफ्टर अ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में एस्प्रिन का यूज़ किया जाता है, मे डिक्रीज रिस्क ऑफ डेथ, जिसे मरने का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लॉन्ग टर्म यूज, इसका ज़्यादा यूज़ करने पर इट मे रिड्यूस ब्लड क्लॉट रिड्यूस हो जाता है इट इन पीपल हु आर द हाई रिस्क, जो आपके हाई रिस्क पे दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ जनरली नॉट रिकमेंडेड इन चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन को रिकमेंड नहीं की जाती है, विद इन्फेक्शन एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इन मेडिकेशन ग्लोबली, जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में यूज़ की जाती है इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसका, इट साइड इफेक्ट, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं मे इंक्लूड अपसेट स्टमक में होते हैं या स्टमक अल्सर के रूप में इसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी पैरासिटामोल, पैरासिटामोल के बारे में देखते हैं। इट इज़ अ मेडिसिन टू ट्रीट, इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर, पेन दर्द और बुखार के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट मे ऑल्सो बी यूज इन लो बैक पेन, बैक पेन में इसका यूज़ किया जाता है, हेडेक में इसका यूज़ किया जाता है एंड फॉर डेंटल यूजेस, और डेंटल यूजेस में इसका यूज़ किया जाता है। इट नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट मे बी सोल्ड इन कॉम्बिनेशन विद अ कोल्ड मेडिकेशन, कोल्ड मेडिकेशन इसका यूज़ जो होता है वो हम कोल्ड सर्दी और जुकाम के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ सेफ एट रिकमेंडेड डोज, जितनी डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है डोज उतनी सेफ रहती है इसको लेना, बट टू हाई, अगर हम इसको हाईली इसका यूज़ करेंगे इस डोज का तो मे रिजल्ट इन लिवर प्रॉब्लम्स, तो इसका लिवर प्रॉब्लम में भी लिवर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अदर मेडिसिन में देखते हैं,
एंटासिड्स ऑफ और सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका यूज होता है फॉर एसिडिटी एंड अपसेट स्टमक. एसिडिटी के रूप में जब एसिडिटी होती है तब हम इसका यूज करते हैं, एंड अपसेट स्टमक जब पेट खराब हो जाता है तब इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका आयरन सप्लीमेंट्स एंड विटामिन B12. इसका यूज हम फॉर एनीमिया के रूप में करते हैं, जो हमारे डिफिशेंसी ऑफ रेड सेल्स इन ब्लड, ब्लड में जब रेड सेल्स की कमी हो जाती है तब इसका यूज किया जाता है. एंड लास्ट है आपकी एंटीबैक्टीरियल्स. इसका यूज हम फॉर कंजक्टिवाइटिस करते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रांस कवरिंग ऑफ आइस वॉल. जब आंखों में जलन होती है तब हम इसका यूज करते हैं. लास्ट टॉपिक है आज का आपका क्लीनिंग एजेंट एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट, जिसमें फर्स्ट आपकी टर्म है सोप्स. सोप्स में आर सब्सटेंस यूज विद वाटर. ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हम वाटर के साथ यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग, क्लीनिंग करने के लिए एंड वॉश करने के लिए. एंड मेड फ्रॉम अ कंपाउंड ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल एंड एनिमल फैट्स, जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल से एंड एनिमल फैट से के कंपाउंड से मिलकर बनता है, अलॉन्ग विद सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. जो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में हम इसका जनरली यूज करते हैं, हैव परफ्यूम एंड कलरेंट एडेड टू इट. जो हम इसमें परफ्यूम एंड कलरेंट यूज करते हैं या ऐड करते हैं. नेक्स्ट है आपका डिटर्जेंट. डिटर्जेंट के बारे में देखते हैं. आर सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल क्लीनिंग एजेंट, ये हमारा सिंथेटिक सॉल्युबल क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है वाटर डिटर्जेंट में. दैट अनलाइक सोप्स को छोड़कर विच आर प्रिपेयर्ड फॉर वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स. जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो वेजिटेबल ऑयल और फैट से मिलकर नहीं बनता, जो बट ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा. नेक्स्ट इसमें है पॉइंट, डिटर्जेंट हैव एन एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी सोप्स. डिटर्जेंट कैसे अच्छा है ऑर्डिनरी सोप्स से, उसके बारे में, जिसमें फर्स्ट है आपका हार्ड वाटर. हार्ड वाटर वो होता है जिसमें मैग्नीशियम और सोडियम दोनों के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण हार्ड वाटर इज वन विच डज नॉट लेदर विथ सोप. जब सोप्स में हार्ड वाटर का यूज किया जाता है तो वो झाग नहीं देता, लेदर मीन्स होता है झाग. वाइल सॉफ्ट वाटर लेदर इजीली, और सॉफ्ट वाटर में ये मैग्नीशियम और सोडियम के कंपाउंड्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से झाग देता है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऑर्डिनरी सोप विद रब्ड इन हार्ड वाटर. ऑर्डिनरी सोप जब हार्ड वाटर के साथ रफ किया जाता है इज वॉश्ड एंड लेदर फ्रॉम ओनली आफ्टर ऑल इनसॉल्युबल साल्ट. जितने भी आपके ऑर्डिनरी इनसॉल्युबल साल्ट्स हैं वो आसानी से झाग दे जाते हैं इन अ हार्ड वाटर में, एंड रिमूव एज स्कम. स्कम ही होता है अ लेयर ऑफ डर्ट विद वाटर सरफेस. जो डर्ट की लेयर होती है वो वाटर सरफेस पे आ जाना स्कम कहलाता है. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इसका, सिंथेटिक डिटर्जेंट. सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में, डू नॉट फॉर्म स्कम. ये हमारे स्कम के रूप में नहीं होता, एंड लेदर इवन अ हार्ड वाटर. और इसमें हार्ड वाटर के साथ जब हम इसका यूज करते हैं तो वो झाग दे देता है, नहीं देता. हाँ, टुडे लेक्चर इज कम्प्लीट. नाउ आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक्स. असाइनमेंट इज फर्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. आपको डिफरेंशिएट बताना है नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर में. स्टेट व्हाट इज टेरेलीन, और टेरेलीन को डिफाइन करना है कि वो क्या होती है. स्टेट सम ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विच मेक इट सूटेबल फॉर कमर्शियल यूज. और कमर्शियल पर्पज पर हम इसका किस तरीके से यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है. नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट, नेम सम अदर सिंथेटिक फाइबर. हमको सिंथेटिक फाइबर के नेम्स डिस्क्राइब करने हैं. नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के मेन फंक्शंस आपको डिस्क्राइब करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक्सप्लेन हाउ मेडिसिन आर बून टू मेन काइंड.
एंड स्टेट द पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेडिसिन को डिफाइन करना है, मेडिसिन होती क्या है उसके बारे में, एंड उसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट्स बताने हैं मेडिसिन के, लाइक जो मैंने आपको बताई थी एस्पिरिन और पैरासिटामोल दोनों के. नेक्स्ट एंड लास्ट असाइनमेंट है आपका, गिव अ कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट. दोनों के डिफरेंस बताने हैं कंपैरेटिवली, विद गिव आर रीजन व्हाई डिटर्जेंट हैव एंड एडवांटेज ओवर सोप, और किस तरीके से एडवांटेज डिटर्जेंट को मिलता है उसका आपको रीजन बताना है सोप्स को छोड़कर. Till then, take care and stay home. Meet in your next lecture. Goodbye.